देश में कोरोना से कुल संक्रमितों की संख्या 29,000 के आंकड़े को पार कर गई है। कोरोना के केसेस के कुल आंकड़ा 29,435 हो गया, जबकि कोरोना से देश में अब तक 934 लोगों की मौत हो गई है। 6,000 से ज्यादा मरीज इलाज के बाद ठीक भी हुए। कोरोना से सबसे अधिक प्रभावित महाराष्ट्र है, जहां पर 8,590 लोग इस वायरस के संक्रमण में आ गए, जबकि दिल्ली को पीछे छोड़ते हुए गुजरात दूसरे नंबर पर आ गया। यहां अभी तक 3,548 मामले सामने आ चुके हैं, जिसमें 162 लोगों की मौत भी हो गई है। तीसरे नंबर पर दिल्ली है, यहां पर 3,108 मामले आए हैं, जिसमें से 54 लोगों की मौत भी हो गई है। देशभर में यहां पर कोरोना का कोहराम जारी है। 29,000 का आंकड़ा पार कर गई है कोरोना से संक्रमित मरीजों की संख्या देशभर में। महाराष्ट्र वो राज्य है जो सबसे ज्यादा प्रभावित है कोरोना के संक्रमण के चलते। 6,000 लोगों का वो आंकड़ा बताया जा रहा है जो अब तक रिकवर हो चुके हैं। एक राहत की खबर है और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए दिल्ली से एवं संवाददाता प्रीत किरण मेरे साथ में फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। प्रीत, जो चुनौतियों का दायरा है वो बढ़ता जा रहा है, 29,000 का आंकड़ा पार कर गई है देशभर में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या। जी बिल्कुल, जैसे ही 29,000 के पार पहुंच चुके हैं जो कोरोना पेशेंट्स हैं, और ऐसे में ये भी कहा जाए कि 1,000 के आसपास डेथ हो चुकी है। काफी केंद्र सरकार की ओर से काफी जो है नई तरीके की जांच की जा रही है। रैपिड किट जो कि पिछले दिनों आयात की जाने की बात की जा रही थी चीन से, उनको रोक लगा दी गई है, क्योंकि वो जो रैपिड किट थी पूरी तरीके से कारगर नहीं थी। राजस्थान सरकार ने ही पहली बार इस बात की पुष्टि की थी कि ये जो रैपिड किट है ये कारगर नहीं है। फिर इस तरीके के तमाम स्टेप्स उठाए जा रहे हैं केंद्र सरकार की ओर से। आज जो स्वास्थ्य मंत्री हैं उनकी तरफ से, हर्षवर्धन की तरफ से मीटिंग हुई जिसमें तमाम प्रिंसिपल सेक्रेटरीज शामिल हुए। साथ में ही उन्होंने वर्तमान स्थिति का जायजा लिया, निगरानी की कि किस तरीके से तमाम जो राज्य हैं वहां पर कोरोना के पेशेंट्स में कमी आए। जी फिर एक और चीज आपसे जानना चाहूंगी, आपने राजस्थान के संदर्भ में यहाँ बात की, रैपिड टेस्ट किट जो थे वो पूरे देश में यहाँ पर पहुंचाए गए, लेकिन कुछ कारणों के चलते इतने ज्यादा सफल नहीं हो पाए। तो राजस्थान में आईसीएमआर से यहाँ पर परमिशन के लिए पत्र भेजा गया है प्लाज्मा थेरेपी को दिल्ली के तर्ज पर यहाँ पर शुरू करने के लिए। तो प्लाज्मा थेरेपी से कहा जा सकता है कि यहाँ पर जो राज्य अभी तक सफल परीक्षण इसका कर चुके हैं, तो राजस्थान में भी ऐसा कुछ देखने को मिलेगा जल्द ही। जी बिल्कुल, राजस्थान में भी प्लाज्मा थेरेपी के माध्यम से उपचार करने की अब शुरुआत की जाएगी। पहला पेशेंट जो कि दिल्ली में उपचार जिसका किया जा रहा था रैपिड प्लाज्मा थेरेपी के माध्यम से, वो पेशेंट डिस्चार्ज हो चुका है। करीबन 6 जो पेशेंट्स हैं उनको प्लाज्मा दिया जा चुका है, वो पेशेंट जो कि ठीक हो चुके हैं उनकी ओर से। तो ऐसे में बाकी और राज्यों में भी अब इसकी शुरुआत की जाएगी। बेहद सस्ता उपाय है ये, कहीं से वैक्सीन आयात नहीं करनी है, कोई किट आयात नहीं करनी है, इसलिए एक ये उपाय कोरोना पेशेंट्स को ठीक करने के लिए जो है सुझाया जा रहा है। इसी वजह से आईसीएमआर तमाम राज्यों को पत्र लिख रहा है। हालांकि इस बीच में काफी एक बात ये भी आई है कि जो नेक्स्ट हेल्थ केयर है वहां पर करीबन 60 से ऊपर कोरोना के हेल्थ केयर कर्मी जो है वो पॉजिटिव पाए गए हैं। इसको लेके भी केंद्र सरकार की ओर से नई दिशा निर्देश दिए गए हैं अस्पतालों को। तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया प्रीत। देश भर में यहां पर कोरोना के संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 29,000 की संख्या को पार कर गया है। राहत की खबर यह है कि 6,000 मरीज ठीक भी हो गए हैं, स्वस्थ हो गए हैं, जबकि 934 लोगों के संक्रमण के चलते देश भर में अभी तक मौत दर्ज की गई है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत